हाय, मैं मुकेश कलाल फिर से एक बार प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। एक किसान भाई ने मुझे बोला था, सर ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट करना है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि वो लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे छोटा सा गांव है, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आप देखिए मैं कितना छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, और एक छोटे तरीके से आपको छोटा सा रिसर्च करके दिखाता हूँ। वैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए, आपके गाँव में कितना भी कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, आप उस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। और मैं आखिर में आपको बताऊंगा इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ से आ जाएगा। तो हमेशा की तरह फिर से चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे ड्रमस्टिक कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, ड्रमस्टिक में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका मार्केट कैसे रिसर्च करते हैं, वो सब हम बात करेंगे। ड्रमस्टिक को मोरिंगा भी कहा जाता है, और हिंदी में साहिजन भी कहा जाता है, और गुजराती में सरगो भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको कोई भी प्रोडक्ट का रिसर्च करना हो तो आपको उसके बारे में HS कोड पता होना चाहिए। ड्रमस्टिक का HS कोड कैसे ढूंढते, आइए देखिए। अभी फिलहाल ऐसा समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप नए एक्सपोर्टर हो और आप फ्रूट या वेजिटेबल कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो। ये जो भी मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रमस्टिक के लिए ही दिखा रहा हूँ, आप दूसरी प्रोडक्ट का भी इस तरह से रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना ब्राउज़र, उसमें ओपन करेंगे गूगल। गूगल में आप सिंपली टाइप कीजिए ड्रमस्टिक HS कोड, तो बहुत सारी वेबसाइट है उन्होंने यहाँ पे ड्रमस्टिक का HS कोड दिखाया हुआ है। तो फिलहाल के लिए आपको HS कोड ऐसे गूगल के पेज पे ही, फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। मैं HS कोड लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, एग्जांपल के लिए 7039920। ओके, अगर आपको इस HS कोड में कुछ डाउट लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये सही HS कोड नहीं है, तो आप दूसरी जगह से भी चेक कर सकते हो, वो है CBIC की वेबसाइट cbic.gov.in। यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद टैरिफ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, मतलब कि जो भी आप HS कोड होता है, HS कोड के लिए पूरी एक बुक है, और जिसको कैटेगरी वाइज बनाया गया है। तो आप देखिए ये सारे सेक्शन है, उसके अंदर 98 चैप्टर है, इसमें से आप अपना HS कोड ढूंढ सकते हो। तो फिलहाल के लिए अपना है वेजिटेबल, तो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए सेक्शन 2, उसके अंदर सब कैटेगरी एडिबल वेजिटेबल्स एंड सर्टेन रूट्स एंड ट्यूबर्स। ये चैप्टर 7 वेजिटेबल के लिए खुल गया है। हमने अभी एग्जांपल के लिए HS कोड लिया था 0709920। ये जो HS कोड है वो पुराना था, अभी नया अपडेट हुआ है, वो HS कोड निकल चुका है, पर फिर भी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 0709920 मिक्स वेजिटेबल। ओके, अभी 20 निकल चुका है, उसकी जगह पे 30 आ चुका है। तो मतलब कि ये जो वेजिटेबल का लिस्ट जो दिया हुआ है, अगर आपका वेजिटेबल का नेम आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप वो HS कोड यूज़ कर सकते हो। अगर आपका वेजिटेबल का जो भी नाम है इसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप वेजिटेबल की कैटेगरी के अंदर अदर ले सकते हो। तो मतलब आप 0709990
आप HS कोड ले सकते हो और कस्टम क्लीयरेंस करवा सकते हो। चलिए, तो पहले जो HS कोड चलता था 0799920, क्योंकि हमें अभी करना है रिसर्च तो हमें वही HS कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पास्ट डेटा देखना है, करंट क्या हो रहा है वो नहीं देखना है, पास्ट में क्या हुआ है वो देखना है। तो वो रिसर्च करने के लिए जिन लोगों ने वो HS कोड यूज़ किया होगा उसके बारे में हम अभी रिसर्च करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूँगा, DGCIS analytics.in। ओके, आप क्लिक कीजिए एक्सपोर्ट एनालिसिस आइटम लेवल। ओके, आपका जो HS कोड है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे डेटा मिल गया है कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। जो टॉप पोर्ट्स है वो मुंबई एयरपोर्ट है, कोचीन एयरपोर्ट है, बेंगलोर एयरपोर्ट है, चेन्नई एयरपोर्ट है। ओके, तो इससे आपको पता चलता है कि जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो होता है वो ज़्यादातर एयर से एक्सपोर्ट होता है। ओके, यहाँ पे आपको रीजन पता चल जाएगा कौन से रीजन में एक्सपोर्ट हुआ है। गल्फ में हुआ है, यूरोप में हुआ है, साउथ एशिया में हुआ है, एशियन कंट्रीज में हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में ये एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे आपको कंट्री मिल गई, UAE में होता है, कतर में होता है, कुवैत में होता है, सऊदी अरब में होता है, UK में होता है, सिंगापुर, नेपाल, बहरीन, कनाडा, मालदीव, ओमान, जर्मनी और मैनी मोर। ठीक है, तो उससे आपको पता चल गया कि ये कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। दूसरी एक वेबसाइट है DGFT, उसके अंदर आप यहाँ पे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिए, उसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक पे क्लिक कीजिए। ओके, आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा कि आप जैसे भी सर्च करना चाहते हो, कॉमोडिटी वाइज एक्सपोर्ट की आइटम देखना चाहते हो, इंपोर्ट के आइटम देखना चाहते हो, कौन से रीजन से एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, सेम इस तरीके से आप इंपोर्ट का भी सर्च कर सकते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे कॉमोडिटी वाइज। ओके, हम यहाँ पे डेटा पास्टर का सिलेक्ट कर लेते हैं देखने के लिए, यहाँ पे अपनी कॉमोडिटी डाल देते हैं। जीरो सेवन जीरो नाइन 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 टू जीरो। ओके, फिर सबमिट, मिक्स वेजिटेबल, यहाँ पे अपना HS कोड आ गया है। ओके, फिर आप सबमिट कीजिए, तो आप देख सकते हो 2018-19 में ये कितना एक्सपोर्ट हुआ था, टोटल एक्सपोर्ट हुआ था। आप यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, वो वैल्यू जो भी है रुपीस में है, लैक्स में। ओके, तो आपको पता चला इंडिया से टोटल एक्सपोर्ट कितना होता है। अब कहाँ कहाँ पे जाता है वो चेक करने के लिए वापस जाइए
कॉमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज पे क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे फिर से मेरा एचएस कोड डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ। ठीक है, और ये मैंने सबमिट किया डेटा। देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सी कंट्री में कि आपका मिक्स वेजिटेबल या फ्रूट एक्सपोर्ट होता है। इससे आपको अपना 2018-19 का डेटा दिया हुआ है, 1920 का डेटा दिया हुआ है, उससे आपको सारी कंट्री पता चल जाएगी ये कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, टोटल 82 कंट्रीज दे दिया हुआ है, 83 अदर में अनस्पेसिफाइड कंट्री का नाम नहीं दिया है, पर आप 82 कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको अभी इतना पता चल गया कि एयर में जाता है कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, वो आपने देख लिया। उसके बाद अभी मैं आपको और एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इंडिया ट्रेड पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे अभी 070 अपना जो एचएस कोड था 999 मैंने अभी टाइप कर दिया, फाइन। अभी देखो ये जो इंडियन ट्रेड पोर्टल है ना, वो करंट जो भी टैरिफ है उसके हिसाब से बना हुआ है। मतलब कि अपना जो एचएस कोड था 20070999920 जो अभी नहीं है, तो आप उसके लिए दूसरा एचएस कोड जो अभी 30 है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अपने जो फर्स्ट 6 डिजिट थी वो, और उसके अंदर अपना था मिक्स वेजिटेबल, तो आपने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पे आप क्लिक कीजिए। देखिए अभी 20 नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शन है 10, 30 एंड 90। ओके, मैं अभी फ़िलहाल के लिए मिक्स वेजिटेबल का ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अदर वेजिटेबल जो है 070999990 पे क्लिक कर रहा हूँ, जो मैंने बोला था आप अदर में ले सकते हो। आपको सपोज कि हम एक्सपोर्ट करना चाहिए, यूएई में एक्सपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको अपना 20 वाला ऑप्शन मिल गया। ओके, अपना अदर का ऑप्शन मिल गया, जो पास था वो 20 था। ओके, अब 990 है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अभी इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पॉलिसी क्या है, मतलब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है ना, आप यहाँ से ऐसे चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखनी है एक्सपोर्ट पॉलिसी। यहाँ पे 3 टाइप की चीज़ होती है, एक पॉलिसी होती है फ्री, एक होती है रेस्ट्रिक्टेड, और एक होती है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि उस चीज़ के लिए आपको स्पेसिफिक कुछ लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और फ्री मतलब कोई भी बंदा एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसा चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी पॉलिसी क्या है, ये आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो। अब इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है, तो आपको यहाँ से ड्रॉबैक भी पता चल जाएगा कि जो चैप्टर है 0709 आगे का जो 4 लेटर है उस पर 0.15% ड्रॉबैक मिलता है। ओके, उसमें MEIS कितना है, तो MEIS रेट भी जो है वो आपके यहाँ पे मिल जाए। MEIS रेट जो होता है ना, वो प्रोडक्ट और आपका जो डेस्टिनेशन कंट्री होता है ना उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो हर कंट्री के हिसाब से अलग होगा। तो आपको ये पता चल गया कि वो एयर से एक्सपोर्ट होता है, आपको ये पता चल गया कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। ओके, उसके बाद दूसरा एक तरीका है आइसगेट से भी आप चेक कर सकते हो। आइसगेट में आप क्लिक कीजिए कस्टम कैलकुलेटर, कैप्चा डाल दीजिए,
ट्रेड गाइड ऑन एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट डाले हैं वो डाल दीजिए 070999, 6 डिजिट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से 20 अभी नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए अभी नहीं, ये लेटेस्ट अपडेट हो चुका है तो 20HS को जो था वो फिलहाल अभी नहीं हमने रिसर्च के लिए यूज़ किया क्योंकि हमें ये देखना था कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है। अभी 90 पे आप ले सकते हो अदर में वेजिटेबल्स, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखिए MEIS कितना है, ड्रॉबैक डिटेल कितना है, सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, आप इंडियन ट्रेड से भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना टैरिफ CBSE वेबसाइट से आप अपना HS कोड ढूंढ सकते हो। ओके, आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो कौन कौन सी कंट्री में जाता है, कहाँ पे जाता है, ठीक है। और आप DGFT से भी चेक कर सकते हो कौन कौन सी कंट्री में जाता है। ओके, अब सबसे पहले डोमेस्टिक में आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लगेगा आपका कंपनी का, जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद IC, AD कोड, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट और आपका अपेडा का मेंबरशिप। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप अभी DGFT से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपेडा भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, फाइटोसैनिटरी भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, IC भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। रहा इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, वो आपको खुद बनाना होगा। जो AD कोड मैंने जो बोला वो ओरिजिनल लेटर आपको बैंक से मिलेगा, आपने जहाँ पे भी अपना करंट अकाउंट ओपन किया है वहाँ पे वो कस्टम में रजिस्टर करवाना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने से पहले, तभी शिपिंग बिल नंबर जनरेट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताइए, नेक्स्ट प्रोडक्ट बताइए मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो लोग गाँव में रहते हैं, जो कोई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग नहीं ले पाते। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके हैं, वो आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक ही वेबसाइट नहीं है, ये मैंने आपको एक लीगल तरीका दिखाया। इसके अलावा भी और कई सारी वेबसाइट और कई सारे तरीके हैं, वो आगे के फर्दर वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए आप कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। आप हमें और भी हमारी जो भी प्रोफाइल्स है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाइए। मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी अपडेट करता रहता हूँ, व्हाट्सएप में जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं वो EIIBL टाइप कीजिए और भेज दीजिए 7878321024 पे। वो ऐड होने के बाद कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज़।